हेलो दोस्तों, आज हम आपको 1988 की सबसे ज्यादा कलेक्शन करने वाली टॉप 10 मूवियों के बारे में आपको बताएंगे। कलेक्शन के हिसाब से नंबर 10 पर मूवी है दयावान। इस मूवी के डायरेक्टर थे फिरोज खान। इस मूवी के लेट कास्ट में विनोद खन्ना, माधुरी दीक्षित और फिरोज खान शामिल थे। इस मूवी का बजट 2 करोड़ 15 लाख रहा। भारत में कमाई 4 करोड़ 25 लाख हुई। पूरी दुनिया में इस मूवी ने 7 करोड़ 40 लाख कमाए। इसके साथ यह मूवी हिट रही। कलेक्शन के हिसाब से नंबर 9 पर मूवी है हत्या। इस मूवी के डायरेक्टर थे कीर्ति कुमार। इस मूवी के लीड कास्ट में गोविंदा और नीलम शामिल थे। इस मूवी का बजट 1 करोड़ 35 लाख रहा। भारत में कमाई 4 करोड़ 30 लाख हुई। पूरी दुनिया में इस मूवी ने 5 करोड़ 10 लाख कमाए। इसके साथ यह मूवी सुपरहिट रही। कलेक्शन के हिसाब से नंबर 8 पर मूवी है जख्मी औरत। इस मूवी के डायरेक्टर थे अवतार भोगल। इस मूवी के लीड कास्ट में राज बब्बर, डिंपल कपाड़िया शामिल थे। इस मूवी का बजट 1 करोड़ 90 लाख रहा। भारत में कमाई 4 करोड़ 35 लाख हुई। पूरी दुनिया में इस मूवी ने 7 करोड़ 50 लाख कमाए। इसके साथ यह मूवी सुपरहिट रही। कलेक्शन के हिसाब से नंबर 7 पर मूवी है प्यार का मंदिर। इस मूवी के डायरेक्टर थे के बपैया। इस मूवी के लीड कास्ट में मिथुन चक्रवर्ती, माधवी और राज किरण शामिल थे। इस मूवी का बजट 1 करोड़ 40 लाख रहा। भारत में कमाई 4 करोड़ 40 लाख हुई। पूरी दुनिया में इस मूवी ने 5 करोड़ 70 लाख कमाए। इसके साथ यह मूवी सुपरहिट रही। कलेक्शन के हिसाब से नंबर 6 पर मूवी है खून भरी मांग। इस मूवी के डायरेक्टर थे राकेश रोशन। इस मूवी के लीड कास्ट में कबीर बेदी, रेखा, सुदन सिन्हा और सोनू वालिया शामिल थे। इस मूवी का बजट 1 करोड़ 70 लाख रहा। भारत में कमाई 4 करोड़ 45 लाख हुई। पूरी दुनिया में इस मूवी ने 5 करोड़ 60 लाख कमाए। इसके साथ यह मूवी हिट रही। कलेक्शन के हिसाब से नंबर 5 पर मूवी है यतीम। इस मूवी के डायरेक्टर थे जेपी दत्ता। इस मूवी के लीड कास्ट में सनी देओल, फरहान आज शामिल थे। इस मूवी का बजट 2 करोड़ रहा। भारत में कमाई 4 करोड़ 55 लाख हुई। पूरी दुनिया में इस मूवी ने 8 करोड़ 95 लाख कमाए। इसके साथ यह मूवी हिट रही। कलेक्शन के हिसाब से नंबर 4 पर मूवी है कयामत से कयामत तक। इस मूवी के डायरेक्टर थे मंसूर खान। इस मूवी के लीड कास्ट में आमिर खान और जूही चावला शामिल थे। इस मूवी का बजट 1 करोड़ 60 लाख रहा। भारत में कमाई 4 करोड़ 60 लाख हुई। पूरी दुनिया में इस मूवी ने 6 करोड़ कमाए। इसके साथ यह मूवी सुपरहिट रही। कलेक्शन के हिसाब से नंबर 3 पर मूवी है पाप की दुनिया। इस मूवी के डायरेक्टर थे शिवू मित्रा। इस मूवी के लीड कास्ट में सनी देओल, नीलम, चंगी पांडे शामिल थे। इस मूवी का बजट 2 करोड़ 20 लाख रहा। भारत में कमाई 4 करोड़ 75 लाख हुई। पूरी दुनिया में इस मूवी ने 8 करोड़ 35 लाख कमाए। इसके साथ यह मूवी हिट रही। कलेक्शन के हिसाब से नंबर 2 पर मूवी है सहनशाह। इस मूवी के डायरेक्टर थे टीनू आनंद। इस मूवी के लीड कास्ट में अमिताभ बच्चन, मीनाक्षी शामिल थे। इस मूवी का बजट 2 करोड़ 20 लाख रहा। भारत में कमाई 6 करोड़ हुई। पूरी दुनिया में इस मूवी ने 12 करोड़ कमाई। इसके साथ यह मूवी सुपरहिट रही। कलेक्शन के हिसाब से नंबर 1 पर मूवी है तेजाब। इस मूवी के डायरेक्टर थे एन चंद्रा। इस मूवी के लीड कास्ट में अनिल कपूर, चंगी पांडे, माधुरी दीक्षित और मंदाकिनी शामिल थे। इस मूवी का बजट 2 करोड़ रहा। भारत में कमाई 8 करोड़ हुई। पूरी दुनिया में इस मूवी ने 15 करोड़ 45 लाख कमाए। इसके साथ यह मूवी ब्लॉकबस्टर रही और यही 1988 की सबसे ज़्यादा कलेक्शन करने वाली मूवी रही। दोस्तों, आपको 1988 की इन टॉप 10 मूवियों में से कौन सी मूवी पसंद है कमेंट में बताएं। साथ में हमारे चैनल ऑल मूवी कलेक्शन को सब्सक्राइब करें। प्लीज दोस्तों, थैंक यू।